फिल्म शूटिंग नहीं है, ब्लॉगर जब हम लोग अंदर से आया था उस टाइम पे एक पुलिस वालों ने हम लोग को पकड़ लिया, क्योंकि उस अंदर जो गांव का जो एनर्जी है ना यहाँ पे, मतलब क्या बोले, एनर्जी के साथ जो बोलने का तरीका होता है ना, ये वाला यहाँ पे कर नहीं पाते, क्योंकि बदला बदला नहीं है भाई, बस बाल काट लिया मेरी जान। न्यू दिल्ली पे, और हम लोग जो रूम ये वाला जो अपार्टमेंट है, आज यहाँ पे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा वो हम लोग को नहीं पता, अभी तक फिक्स नहीं है। अगर हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग जितना भी काम है हम लोग निपटा दिया तो हम लोग यहाँ पे आएगा, और नहीं तो हम लोग जो भी पहले यहाँ पे रहता था वही पे चला जाएगा। और अभी हम लोग ड्रेसअप कर रहे हैं, अभी एकदम खत्म होने वाला है, अभी मैं भी ड्रेसअप कर लूंगा और जो भी पहन लूंगा उसके बाद मेरा यहाँ पे बैग हो गया, और यहाँ पे हम लोग जो सोया हुआ है तो उसको अलविदा कहना का टाइम आ गया मुझे लग रहा है, तो माई तो जा रहे हम लोग, तो अभी हम लोग निकलने का टाइम आ गया, अभी बस गेट 12:30 और हम लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली तक। और क्योंकि ऊपर से यार ये मतलब देखो आप लोग दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये धूप में हम लोग जाने वाला है अभी, और ऊपर से जो बड़ी यहाँ पे प्राइवेट गाड़ी का अलावा कोई यहाँ पे है नहीं, हम लोग पैदल से जाएगा अप्रोक्सिमेट 1 किलोमीटर तक, तो उसके बाद हम लोग एक एक करके गाड़ी पकड़ के उसके बाद मेट्रो ट्रेन पे जाएगा, तो पता नहीं बस, तो अब तो निकलते हैं। और मैंने सिर्फ दो टी शर्ट लेके आया, वो वाला तो गंदा हो गया, तो ये वाला मैं पहन के जा रहा हूँ, चलो चलते हैं यार। तो अभी हम लोग निकलने वाला है, और निकलने वाला है तो क्या निकल चुका है भाई, ऊपर से देखो यार इतना धूप, भरा भरा धूप है भाई, इतना सूझा बनी, और ये वाला है परमानेंट हम लोग अभी आज के लिए अलविदा बोल रहा है, तो यहाँ पे निकल जाते हैं, क्योंकि निकलने के बाद हम लोग उस तरफ से उस तरफ जाने, वो भी पूरा 1 या 2 किलोमीटर हम लोग पैदल से जाने इस धूप में हम लोग वाले लिया भाई, चलो हम लोग निकलते हैं। निकलने के बाद हम लोग उस तरफ हम लोग दिखाने वाले हम लोग जो रोड है किन्नर लंबा, देखो हेलो बेबी हाउ आर यू, आई गुड That's good. तो उस तरह हम लोग जाने उस, ओ माय गॉड इतना धूप है भाई, ओए सूजा मंडी कम करो यार, हम लोग यहाँ से पूरा की पूरा 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हम लोग पैदल से कुतुक 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 करके जाना है भाई साहब, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे गड्डी मिल गया तो मिल गया, नहीं मिलेगा हम लोग तो स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई। ये अपार्टमेंट देखो गाइस, बाय बाय अलविदा मेरा अपार्टमेंट, मिलते हैं अगर आस आ पाए तो आऊँगा, नहीं आऊँगा तो फिर से मिलूंगा। और आप लोग देखो तो पीछे का जो नजारा देखो, प्राइना क्या कुछ पूरा की पूरा वेल मेंटेन किया रही है, पीछे का पीछे बाप रे बाप, ऊपर से यहाँ पे देखो अपार्टमेंट है, घर है कुछ समझ में नहीं, पर बेहतरीन सुंदर है भाई, ये मस्त लग रहा है ना, और यहाँ पे शाम को आने का यहाँ पे पार्टी वार्टी वगैरह सब करने मजा आएगा ना, क्या जगह है, ऊपर में धूप का तो बोलना ही मेरे भाई, पर वो भी लाजवाब है। तो यहाँ का मॉल में हम लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे तो खास पास तो किसी नहीं है, बस हम लोग थोड़ा बहुत घूम लिया, तो अभी जाना है रेलवे स्टेशन की तरफ, तो यहाँ पे बस हम लोग आ रहे हैं कि यहाँ पे हवा खाने के लिए, तो ठंडा जो चीज़ होती है वो खाने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ का मॉल का नज़ारा इस तरह से नज़ारा देखने को मिल रही है भाई साहब। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए मेट्रो में, और यहाँ पे मेट्रो भी आ चुके हैं, हम लोग पहुँचते पहुँचते तो हम लोग यहाँ से कोई उतर जाएगा तो उतर जाएंगे, यहाँ पे हम लोग चला जाएगा, उसके बाद हम लोग जाना है पूरा दिल्ली पूरा की पूरा हाईवे, और यहाँ का क्राउडेड देखो यार कितना सारे लोग है यहाँ पे, आप लोग जैसे अपना बीबी के साथ मिलना, डेटिंग वेटिंग करना, चाहे चुमन चाटी करना, उसके बाद अपना अपना जॉब से आ रहे हैं, और यहाँ पे देखो कितना सारा लोग है, जिसे लग रहा है कि ये मेट्रो सिटी है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए, और पता नहीं हम लोग यहाँ पे क्या करना है, बट ऊपर में हम लोग जाके हम लोग एग्जिट उस तरफ है ना, असल इस तरफ तो एग्जिट है, तो हम लोग यहाँ पे निकलने के बाद पता नहीं हालात ही खराब हो गया, हम लोग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बस जाना है उधर से उधर, इधर से उधर, और यहाँ का जो क्राउड है देखो यार बहुत ही भयंकर है, कौन सा वाला एग्जिट है भाई साहब, भाई यहाँ पे चलते चलते आप लोग देखो तो इतना कितना सुंदर लड़की लोग है भाई, उस तरफ देखो तो लड़की, उस तरफ देखो लड़की, कौन सा वाला चूज करो मैं तो समझ में नहीं आ रहा, बस देखते साहब मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। फिलहाल हम लोग आ रहे हैं पहले पालिका बाजार है ना, तो हम लोग अंदर में आ रहे हैं पालिका बाजार में यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी हम लोग, ऊपर से आप कितना सारा क्राउड है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जितना भी सामान है यहाँ से यहाँ भी होते हैं, यहाँ पे शू वगैरह और शर्ट वगैरह सब मिलते हैं, देखते हैं गाइस फिल्म शूटिंग नहीं है, ब्लॉगर एक बंदा पूछ रहा है कि यहाँ पे फिल्म शूटिंग हॉल चल रही है, डॉन फोर पे चल रहा है, तूने क्या बोला था, डॉन फोर में, डॉन फोर में शूटिंग चल रहा है, और ये हाँ पलिका करिए पलिका बाजार अच्छू है, पलिका बाजार का जो व्यू है, और जितना भी लोग आ रहे हैं अपना पेटीकोट वगैरह और अंडरवेयर वगैरह पता नहीं क्या ले रहे हैं, तो अभी हम लोग ने थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहा थोड़ी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया, तो हम लोग बाहर में जाते क्योंकि मूड भी नहीं आ रहा है,
क्या। तो अभी हम लोग निकलने वाले यहाँ से, बहुत ही गर्मी लग रहा है अंदर में, क्या बोले यार। जो मैं आप लोगों को दिखाया था पलिका बाजार, वो पूरा की पूरा ये वाला जो रोड है ना, ये अंदर का, ये वाला जो रोड है इस अंदर में बाजार है भाई। छोच और ऊपर में हम लोग का इंडिया का तिरंगा अपना एकदम लहरा रहा है, एकदम क्या मस्त लगा रहा है भाई। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा वगैरह से भी यहाँ पे बचा रहा है। छोड़ भाई, जब हम लोग खरीदना तो है नहीं भाई हम लोग को, तो अभी जाना है पूरा डायरेक्ट रूम पे। हम लोगों ने पलिका बाजार अंदर में जो गया था, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग सोचा कि बाहर ऊपर में है, ठीक है, वो एक्चुअली जो शॉप है वो अंदर में है, पूरा अंदर के अंदर में, पूरा अंडरग्राउंड में। उसमें तो ना हवा है ना कुछ भी, यहाँ पे सिर्फ ऊपर में बॉक्स वॉक्स लगा रहे हैं, बस वही है भाई। अंदर में कुछ है ही नहीं, कुछ कपड़ा वगैरह वैसे तो कपड़ा वगैरह वैसे बेच रहे हैं अच्छे। जब हम लोग ने अंदर से आया था उस टाइम पे एक पुलिस वालों ने हम लोग को पकड़ लिया, क्योंकि उस अंदर में जो वीडियो बना रहे हैं हम लोग बना बना के आ रहे हैं, उसने बना कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। और यहाँ पे बोला कि यहाँ पे अगर तू पकड़ लिया सिक्योरिटी वालों ने तो यहाँ पे 4000 फाइन और यहाँ पे 4000 घंटा जेल में रहना पड़ेगा। और वीडियो डिले करने के लिए बोला था, पर डिलर ने वीडियो डिले नहीं किया। और पता नहीं, मैंने तो पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेन के अंदर जो वो लोग ने वीडियो बनाते वो लोग सिक्योरिटी पकड़ लिया, तो ट्रेन में जाना पड़ेगा, उस पर फाइन भी देना पड़ेगा। पर ये क्या है, ये कौन सा लॉजिक है मेरे को नहीं पता, पर होगा शायद, क्योंकि तो मेट्रो सिटी है, ऊपर से हो जाकर बहुत सारे लोग भी क्राउड होते हैं ना, इस चीज़ की वजह से वो लोगों ने बोला। ओके, पर पुलिस ने तो पकड़ा नहीं हम लोगों, बस वो लोग ने एक्सप्लेन किया ऐसा सही या नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, पर हम लोगों ने मान लिया तो ठीक है, चलो निकलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लड़की लोग भी मिलते हैं भाई। और यहाँ पे सामने फ्रंट पे स्टारबक्स है, एज यू कैन सी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे चिल आउट कर रहे हैं भाई, क्या ही बोले हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग कान फट गया। तो अभी हम लोग पहुँच गए मेट्रो पे, हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, और यहाँ से हम लोग ट्रेन उड़ना, और यहाँ से ये वाला खुलना है और अंदर घुसना है भाई साहब। और अभी हम लोग रूम जाने के लिए हम लोग ट्रेन के स्टेशन घुस गए, और यहाँ पे जितना बड़ा क्राउड है, और यहाँ पे हम लोग सुता चिचन इस वाली साथ में होने हो गया बंदा। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं इंफो चौक में, तो अभी जाना है यहाँ से हम लोग रूम की तरफ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा हम लोग थोड़ा यहाँ पे बैठ रहे, क्योंकि बहुत ही भयंकर फंसे हम लोग, ऊपर से सीट नहीं मिलेगा इसके इस कारण की वजह से हम लोग यहाँ पे बैठ रहे, क्योंकि ऊपर बाहर में जाने का मन भी नहीं करेगा। आप लोग देख सकते हो कि इतना धूप, देखो इतना दिखाई नहीं दे रहे, ये देखो, हाँ देखो ये इतना धूप, मतलब क्या ही बोले यार, पूरा बाहर में जाने का कोई मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पास ये 10 मिनट हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, और हम लोग जो ट्रेन है मेट्रो ट्रेन है वो तो चला गया, और नेक्स्ट वाला ये आ गया। जो गांव का जो एनर्जी है ना यहाँ पे, मतलब क्या बोले, एनर्जी के साथ जो बोलने का तरीका होता है ना, ये वाला यहाँ पे कर नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे एक ही रीजन है, कोई कुछ रीजन है ना, पे साहब कुछ का रीजन नहीं है, सिर्फ गर्मी के रीजन की वजह से हम लोग यहाँ पे होते ना, जितना भी एनर्जी है उसको चूस लेते हैं, उसको पूरा अंदर में चूस लेके मुझे एकदम क्या बोले यार, पूरा बोरिंग कर लेते हैं। तो इसलिए सीजन की वजह से मैं कुछ लाइक पहले की तरह वो लेके ला नहीं पाया, पर हाँ बहुत जल जाएगा भाई, बहुत जल आएगा, मतलब आऊंगा जरूर, बहुत आऊंगा जरूर। तो अभी हम लोग बाहर निकल चुका है, और अभी निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे ऑटो पकड़ेगा, ऑटो पकड़ने के बाद डायरेक्ट सीधा जाएगा अभी रूम पे, और रूम के जाने के बाद हम लोग भयंकर सो जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही हालत खराब है भाई यहाँ पे मेट्रो में जाते रहे, ऊपर से हम लोग को सीट नहीं मिला, इसकी रीजन की वजह से पूरा किन्ना 12 या 13 स्टेशन हम लोग ने खड़ा खड़ा होके आया। तो अभी हम लोग का एनर्जी पूरा डाउन हो गया, तो जाके पूरा मैं सो जाऊंगा, उसके बाद आज तो मैं सोच रहा हूँ बाल भी काटूंगा, ये देख रहे हो ना हालत, क्या हालत देख रहे हो देखो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रूम के लिए, तो आफ्टर 2 डेज तो अपना पहले वाला रूम पे अभी जा रहे हैं, और जाने के बाद तो फ्रेश अप करूंगा, फ्रेश अप होने के बाद रूम पे ही मिलते हैं, ठीक है, अभी बोलने का मन नहीं कर रहा। तो अभी हम लोग भैया यहाँ पे बाल करना है, और आप लोग देख सकते हो एक उस तरफ कर लिया, और मेरा भी टाइम आ गया पूरा इसको गंजुआ करने के लिए, बहुत ही गंदा लग रहा है भाई ये वाला सीन, ऐसा लग रहा है कि रोबोट लग रहा है। तो फाइनली हम लोग रूम पहुंच गए, और रूम पहुंचने के बाद हमने खाना वाना खा लिया, खाना खाने वाले के बाद आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखो हम लोग बदला बदला नहीं है भाई, बस बाल काट लिया मेरी जान, अभी लग रहा है पूरा प्योर वाला ऋतिक रोशन और जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड भी उसके बाद क्या है टॉम क्रूज, देखो साइड में, अगर साइड में देखेगा तो पूरा टॉम क्रूज लग रहा है ना, टॉम क्रूज, और उसको देखो उसको भी काट लिया, ये देख पूरा छाव का गुंडा लग रहा है, जो चोर जो डकाए हुए करते ना, जो स्नेचिंग करते ना, वो लग रहा है ठीक है, और बहुत दिनों के बाद अपना भाई भी यहाँ पे लेटा हुआ है एकदम मस्ती, मास्क का कोहरा का पता नहीं क्या कर रहा है, पर हम लोग भी यहाँ पे रह ले, और बहुत दिनों 2 दिन के बाद हम लोग अपना का पहला वाला रूम पे आ गए, और ये वाला जो आने के बाद यहाँ पे तो सुकून मिलते ना कहीं पे नहीं मिलते भाई, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर, अभी खेलूंगा पबजी,
क्योंकि हम लोग के पास बहुत टाइम है, बहुत बार पैसा है। आज के ब्लॉग यहीं पे खत्म होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड लास्ट में बन बोल लीजिएगा क्या बोल रहे हैं प्लीज बेल आइकन, ठीक है, ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी मेरे बॉक्स मिले। तो आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय। मुक्ता धोन चलो यार, इवनिंग वॉक में जाते हैं भाई, मैं बहुत थक गया हूँ।